हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। बेसिकली इस वीडियो में हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कार्बोनिल कंपाउंड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, हर साल इस रिएक्शन से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी और जेई और नीट में भी कॉमनली दिखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ओके, तो इस रिएक्शन को समझने के पहले इसका बेसिक डेफिनेशन को समझते हैं पहले। ठीक है, तो इस रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है हम वो पहले समझते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा डिटीरियम, ठीक है, कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, ये रिएक्शन होता है कार्बोनिल कंपाउंड में, एंड कार्बोनिल कंपाउंड का CMP है, केमिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस बेस प्रोड्यूसेस, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, है ना। एंड इस बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अल्डोल। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, इसको आप ध्यान में रख लो। ठीक है, फिर इसके बाद है विच, मतलब जो अल्डोल होता है वो विच ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, तो ये हम लोगों को मिलता है। ठीक है, तो अभी हम इस रिएक्शन को करते हैं, कैसे होता है ये रिएक्शन। ठीक है, तो एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा डिटीरियम कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड पहले हम लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है, ये हमारा एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, ये हमारा ओके, ये इसका ऑक्सीजन ग्रुप है। ठीक है, ये एक और सेम ले लेते हैं, या फिर ये अलग होता है तो क्रॉस अल्डोल बोलते हैं उसको। ठीक है, अभी हम लोग सेम ले रहे हैं CH2, और ये हमारा है CHO। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, यहाँ बेसिकली ये रिएक्ट कर रहा है एक्वास बेस के प्रेजेंस में। एक्वास बेस किस क्या होता है, 10% NaOH, इसको हम बोलते हैं एक्वास बेस। ठीक है, और भी इसका एग्जांपल्स हैं NaOH वाला, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कॉमनली यूज NaOH ही होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये डायरेक्टली पहले तो हमको एल्डोल मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल। कैसे मिलेगा ये एक्वास बेस जो होता है ये इसको पोलराइज करेगा पहले। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका ऐसा करते हैं तो क्या होता है, CH3, ये हमारा है O नेगेटिव, ये हमारा हो गया पॉजिटिव। ठीक है, और ये अगर यहाँ से H प्लस निकल जाएगा तो क्या होगा, CH2, ये कैसा होगा, CHO, और यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज जो यहाँ का जुड़ जाएगा CH2, CHO, ये पॉजिटिव को सप्रेस कर देगा, मतलब हटा देगा, मतलब सेटिस्फाई कर देगा। अब जो यहाँ से हाइड्रोजन हटा था टूट के, वो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा OH। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है, तब क्या बचेगा अपने पास, तब अपने पास बचेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, ये क्या था, ये हमारा है, ये अल्फा है, ये बीटा है ना, तो ये इसे क्या बोलते हैं, नेमिंग कैसे करोगे, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, ये तो ये पूरा एक रिएक्शन है, ऐसा होता है इसका। ठीक है, तो अभी हम लोग इस रिएक्शन का बेसिक मैकेनिज्म समझते हैं कि ये मैकेनिज्म कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बेसिकली, जैसे कि आपने अभी देखा कि इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, दो कार्बोनाइल कंपाउंड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, है ना, ये रिएक्शन आपने समझ लिया। तो हमने दो कार्बोनाइल कंपाउंड में यूज़ कर, एक तो CH3 होता है जो भी है, ठीक है, और दूसरा होता है जिस यहाँ से हम लोग का हाइड्रोजन है वो होता है ना जो है। ठीक है, तो जब ये एक्वास बेस के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, इसका हम लोग मैकेनिज्म समझते हैं अभी। ठीक है, मैकेनिज्म कैसे ये टेक प्ले होता है एक बार आप समझ लीजिए, बाकी एग्जाम में आपको ये काम नहीं आएगा, बोर्ड में, बट ये इंपॉर्टेंट है पूरे मैकेनिज्म वाइज करना आपको। ठीक है, नीट में तो आपको मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म बेसिकली क्या होता है, पहले ये हमारा है इनोलेट। ठीक है, एक हम इनोलेट लेते हैं, और दूसरा हमारा क्या एक्सेप्टर है, जो इनोलेट को एक्सेप्ट करें, न्यूक्लियोफाइल को एक्सेप्ट करें, वो एक्सेप्टर है। ठीक है, ये इनोलेट है, तो इनोलेट को पहले हम रिएक्ट कर रिएक्शन करवाते हैं, कैसे साथ में, एक्वास बेस के प्रेजेंस में। ठीक है,
है। तो ये जब एक्वस बेस के प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट करेगा, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, ये एक्वस बेस का जो NaOH है, NaOH जो है, ये इसको हल्का हल्का मतलब वो करेगा, रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, है ना, इसको रिएक्ट करेगा, तो ये H2O बन के बाहर निकल जाएगा एक तरीके से, है ना। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे एक CH2 माइनस CHO, ठीक है, ये क्या हमारा, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस लविंग है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस लविंग ये है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे जो अपना ठीक है, एंड फिर इसका जो एक्वास बेस का मीडियम है, तो ये वाला जो है इसमें कुछ पोलराइजेशन होगा बॉन्ड का, ठीक है, सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, उसका पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड होगा, उसके वजह से आपका ओ ओ पे जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कैसे होगा इसका, अगर पोलराइज करोगे तो इसका इलेक्ट्रॉन को करोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, ये हो गया ओ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, है ना। अब जो अब यहाँ पे होगा इसका NAR होगा, इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, ठीक है, जो इनोलेट है, ठीक है। तो ये इनोलेट यहाँ पे आके अटैक करेगा इस पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा CH2CH-CHO जो हमारा है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये यहाँ पे आकर अटैक करेगा इसकी, क्या तो क्या बनेगा हमारे पास CH3CH, ठीक है, CH3CH, ओ पे हमारा नेगेटिव चार्ज और यह हमारा है CH2 और यहाँ हमारा CHO, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा, ठीक है, तो रिडक्शन होगा इसका, तो रिडक्शन से क्या होता है, फिर वापस से इस पे CH3CH OH CH2CHO बनेगा, ठीक है, रिडक्शन से रिड्यूस हो जाता है हाइड्रोजन, है ना। फिर इसके यहाँ पे क्या होगा, इसका इसका होगा यहाँ पे डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेट होगा ये, ठीक है। तो जब डिहाइड्रेट होगा, कैसे डिहाइड्रेट होगा, यहाँ से दो और यहाँ से एक और यहाँ से एक और यहाँ से पूरा OH ये हट जाएगा। ये हटने के बाद हमारे पास ऑक्सीजन पे दो वैलेंसी यहाँ पे क्या हो, इसका वजह से हट गया और यहाँ पे हमारा एक वैलेंसी था, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑलरेडी ये है और यहाँ पे हमारा दो वैलेंसी जुड़ खुल गया, है ना, और इसका भी, तो ये दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बना लेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये क्या है, ये अल्फा ये बीटा है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बन का बॉन्ड, तो ये था, ये हमारा पूरा रिएक्शन था, ठीक है। तो अभी तक हमने अल्फा बीटा या जो भी हमने पढ़ाई किया है ना, वो तो आपको क्लियर हो चुका होगा आई गेस। इसका एक ना नीट नीट एस्पिरेंट एंड जेई एस्पिरेंट के पास क्या होता है, इतना लंबा मैकेनिज्म करने का टाइम नहीं होता है, है ना, तो उनके लिए एक बहुत ही सिंप्लीफाइड शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अल्डोल कंडेंसेशन अल्डोल कंडेंसेशन शॉर्टकट या डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, आपको ओरिएंटेशन से खेलना है, ठीक है। तो एक आप कंपाउंड लिए ऐसा CH और डबल बॉन्ड O, ठीक है, तो ऐसा ओरिएंटेड ओरिएंटेशन करना है, ठीक है। सेकंड वाला जो था हमारा, उसमें हमको H2 को एक्सपोज करना है, जो लास्ट कार्बन है उसका H2 को एक्सपोज करना है, ठीक है, CH CH3 CHO सेम कंपाउंड है, तो इसको उल्टा भी कर ले कि मतलब है, तो ये जो होगा ऐसा करके निकल जाएगा, ठीक है, H2O, और ये हमारा बनेगा डायरेक्टली NaOH प्रेजेंस में, एक ही मतलब है, इसको लिखिए आप जरूर CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। ये इसका एक वो है, मैं ऐसा कुछ और एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, जिसमें ज़्यादा कार्बन होंगे, जिस कंपाउंड में ज़्यादा कार्बन होगा वो एक्सेप्टर की तरह काम करेगा, जिस कंपाउंड में कम कार्बन होंगे वो इनलेट की तरह एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमारे एक CH3, ये भी हमारा एक CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड O था, है ना, आइसो जो भी है, मतलब प्रोपेन, ठीक है। जब ये रिएक्ट करेगा H2CH, इसको ऐसा H2CH की तरह रिप्रेजेंट करना है, एक ही मतलब है, तुम कैसे भी करो इसको, ठीक है, सी डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हाँ, ठीक है, दोनों एक ही मतलब है, तो ये कट पिट के कैसे आ जाएगा, ये भी बेसिकली हमारा CH3 डबल बॉन्ड CH एंगल बॉन्ड ये
और ये ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्सपोज करना है सबसे लास्ट का फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, आपको नहीं छेड़ना है सेकंड वाले का, ठीक है। ओके एक सेकंड, आपने इसको भी देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया है ना। अब हम इसके आगे के एक और क्वेश्चंस करते हैं। तो बड़ा वाला हमेशा एक्सेप्टर की तरह काम करता है, तो आपको इसको इस बात को ध्यान रखना है। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ऐसा है तो इसका ओरिएंटेशन है, ये CH3 है ना, इस तरीके। तो हम लोग उसको H2C की तरह कर रहे हैं, जिसमें कम कार्बन है वहाँ पे अपना हाइड्रोजन निकलेगा, H2C बन जाएगा वो, ठीक है। तो ये पूरा एक तरीके से सेम ही है ना, कंपाउंड पूरा सेम है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो इसको उल्टा भी करो कि मतलब ऐसा करके ये बन जाएगा। कैसे बनेगा ये? बेंजीन को हम लोग फाइव से भी, सॉरी फिनोल को फाइव से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो कभी अगर फाइव अगर पूछता है तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। या इसको भी ऐसा फाइव से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया ना। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉस आल्डोल कंडेंसेशन पढ़ेंगे, ठीक है। आल्डोल कंडेंसेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का आल्डोल कंडेंसेशन का ही एक, आप समझ सकते हो, एक ब्रांच है या एक अलग एक वो है ना, वेरिएशन है, ठीक है। क्रॉस आल्डोल कंडेंसेशन। अभी आपको लग रहा होगा कि हमने जो ऊपर में जो भी रिएक्शन किया है उसमें दो दो जो दोनों कंपाउंड हमने लिया था वो सेम था, है ना। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन भी आया होगा, अगर आप में थोड़ा भी क्यूरियोसिटी है तो, क्रॉस आल्डोल क्यों नहीं हो सकता, है ना, आपके मन में ऐसा क्यूरियोसिटी आ रहा होगा। तो अब हम करते हैं क्रॉस आल्डोल, जिसमें हम लोग दो अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड्स लेंगे, ठीक है। तो इस केस में कुछ हम समझते हैं, ठीक है। व्हेन टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स आर यूज्ड, तब हम उसको बोलते हैं क्रॉस आल्डोल, ठीक है। डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर यूज्ड, ठीक है, देन फोर प्रोडक्ट्स आर ऑप्टेंड एंड क्रॉस प्रोडक्ट। अभी मैं इसको उसको समझाऊंगा, आप डेफिनेशन लिख लो एक बार, ठीक है। एंड क्रॉस प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। मेजर मतलब जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, इन विच, एक और एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इन विच बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसको, ठीक है। इन विच मोर एसिडिक एच हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको लिख लो। डेफिनेशन सॉरी कंपाउंड इज यूज्ड एज सबस्ट्रेट, इज यूज्ड एज सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब जिसका CHO बॉन्ड फाइनल प्रोडक्ट में जाएगा, ठीक है, सबस्ट्रेट। तो ये डेफिनेशन में नोट कर लो, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे दो कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। आप गेस कीजिए कि कौन सा सबस्ट्रेट होगा, ठीक है। CH2C OH, ठीक है। तो इनमें सबस्ट्रेट कौन सा होगा? और मैं तो अपने लिख मैंने तो लिख लिया है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा, कोई इशू नहीं है। मैं इसका रीज़न देता हूँ आपको, ठीक है। CHO, ठीक है, ये प्लस है ना, एल्कोहलिक KOH जो भी रिएक्शन है अपन लेते हैं ना, कोई इशू नहीं है। 10% वो भी एक्वास बेस ही है ना। ये फाइनली हमारा जो है वो बनाएगा एक क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, ठीक है, CHO, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये हमारा है सबस्ट्रेट जिसका CHO जा रहा है ना, ये हमारा क्या है, सबस्ट्रेट है, सेकंड कंपाउंड। आपके मन में क्वेश्चन जरूर आया होगा, ये सबस्ट्रेट क्यों नहीं है? इन विच मोर एसिडिक एच कंटेनिंग कंपाउंड इज व्यूड एज सबस्ट्रेट, ये डेफिनेशन पढ़ो। तो इसमें ये ज़्यादा एसिडिक है, ये ज़्यादा एसिडिक है, ऑब्वियसली ये ज़्यादा एसिडिक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, ये प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होता है, एसिडिटी कम होता है। यहाँ पे कोई प्लस आई इफेक्ट, एक ही प्लस आई इफेक्ट जा रहा है, यहाँ पे दो जा रहा है, तो ये कम, तो ये ज़्यादा एसिडिक है ना, इसलिए इसका सबस्ट्रेट बन जा रहा है, ठीक है। ऊपर में क्या देखा, देन फोर प्रोडक्ट्स आर ऑप्टेंड, कैसे फोर बन रहे हैं, तो दो ही बन रहा है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, नहीं, ये अगर एक्स है और ये वाई है, ठीक है, तो ये मीडियम में एक्स है वाई दोनों है ना, ये एक ही कंपाउंड, एक ही कंपाउंड है,
तो क्या होगा, x प्लस एक्स भी रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, y प्लस वाई भी रिएक्ट कर सकता है, x प्लस वाई भी रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, ये हो गया, ये एक प्रोबेबिलिटी है। अब एक प्रोबेबिलिटी और है, ठीक है, तो उसको मैं अभी अच्छे से बनाता हूँ, ठीक है। तो इसका तो समझ में आया, तो फोर प्रोडक्ट कैसे बनता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो आप खुद कीजिए एक बार, है ना। मैं एक टेबल बनाऊंगा तो जिसमें एक्सेप्टर कौन सा होगा और इनवलेट कौन सा होगा, एक्सेप्टर एक्सेप्टर और इनोलेट। तो अभी हमने ऊपर जो रिएक्शन किया है वो सबसे स्टेबल और सबसे क्रॉस प्रोडक्ट वाला बनाया था, वो हम वो मेजर प्रोडक्ट, इसलिए हमने उसको डायरेक्टली बना दिया। लेकिन और यहाँ पॉसिबिलिटी है फोर प्रोडक्ट्स बनने का, है ना, फोर तरह का। एक तो एक्स और एक्स दोनों सेम सेम हो रहा है तभी हो जाएगा एक, है ना, सेल्फ बन जाएगा। एक हमारा वाई है और ये भी वाई है तभी बन जाएगा। एक हमारा पॉसिबिलिटी जिसमें एक्स हमारा एक्सेप्टर है, यानी कि जिसमें क्या होगा वो कंपाउंड ऐड होगा, और एक में क्या होगा वाई हमारा क्या होगा, हमारा वाई हमारा होगा इनोलेट, ठीक है, एक में वाई एक्सेप्टर एक में इनोलेट। तो ये दोनों बनेगा इसमें भी रिएक्शन, आप जैसे कि ऊपर हमने किया था फर्स्ट में वैसे ही टाइप का होगा, ये और ये सेम होगा, जिसमें वाई एक्सेप्टर बनाना है जहाँ पे, और इसको हम लोग सब्सट्रेट बनाना है, वैसे भी हम कर सकते हैं। तो ये तो इस कंपाउंड का क्या होगा, सी एच ओ बॉन्ड लगेगा, इसका क्या होगा ये डबल बॉन्ड में कंट्रीब्यूट करेगा, है ना। तो ये वाला थोड़ा सा अनस्टेबल रहता है ना, ये वाला जो है स्टेबल रहेगा, जो जो हमने ऊपर बनाया वो ये वाला था, ठीक है, ऐसा होता है। अभी इसका एक और चांसेस है जो कि रेयरली कभी क्वेश्चन में, लकीली अनलकीली अगर आ गया कोई एग्जामिनेशन में, है ना, जेई में या फिर नीट में, तो उसके लिए मैं उसको आपको पढ़ा दे रहा हूँ, है ना। एक केस है, एक स्पेशल केस है, ठीक है, क्या केस है वो, इफ इन क्रॉस आर डोल, इफ इन क्रॉस आर डोल वन कंपाउंड, स्पेशल केस है, ठीक है, वन कंपाउंड डू नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन, अगर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या होगा, तो इस केस में सिर्फ टू प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, इस केस में हमारा सिर्फ टू प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग एक ऐसे कंपाउंड पर लेते हैं जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा है सी डबल बॉन्ड ओ, और ये हमारा है एच, और ये एच, ठीक है, सी सी एच टू जो भी है, ठीक है, तो बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है ना। तो इसके बाद में इस तो इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, है ना, तो यहाँ पे हमारा फिर से हम लोग रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, सी एच टू सी एच ओ, ठीक है, तो दो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, और जिसमें क्रॉस वाला हो, अभी क्रॉसिंग ही करवाते हैं, तो ये वाला हट के, तो सी एच ओ बॉन्ड जो है, ठीक है, सी एच ओ बॉन्ड जो है वो हफ्से एफिडिक वाला का लगेगा, है ना। तो हम लोग पहले इसी इसी को लेते हैं, है ना, तो अगर ये सी एच टू हम लोग ले लिए और ये डबल बॉन्ड ओ है ना, और ये ऐसा हट जाएगा, तो यहाँ पे एक नया पॉजिटिव, यहाँ पे हमारा सी एच टू सी एच ओ बनेगा, है ना, ऐसा होगा ये एक, और एक दूसरा प्रोबेबिलिटी जिसमें ये वाला जो है बनेगा एक्सेप्टर, इसमें ये वाला बनेगा डोनर, है ना, ये है। तो ये पूरा पॉसिबिलिटी है क्रॉस आल्डोल कंडेंसेशन का, है ना। एंड इसका एक और है चेसन स्किमिड रिएक्शन है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर वो क्वेश्चन में पूछता है एग्जामिनेशन तो उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक शॉर्ट, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसका एक वेरिएशन और है चेसन स्किमिड, ये चेसन स्किमिड साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसको फाइंड किया था, ठीक है, चेसन स्किमिड आल्डोल कंडेंसेशन, ये अलग से, जिसमें क्या होता है इसे हम लोग ना बेंजल डिहाइड यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, तो बेंजल डिहाइड जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो उस टाइप के आल्डोल कंडेंसेशन हम लोग क्या बोलते हैं, चेसन स्किमिड बोलते हैं। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रेयरली कभी पूछा नहीं गया है, तो शायद ये पूछ सकता है ना, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, अभी ट्रेंड में नहीं है लेकिन फिर भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा एच टू है, तो चेसन स्किमिड में जो होता है वो हमेशा एज अ इनो एज अ एक्सेप्टर ही काम करता है ना, बेंजीनिंग वाला, तो ये वाला जो है हट के ऐसा डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दो, बेंजल डिहाइड जो है, ठीक है, तो बेंजल्टिड हमेशा क्या बनता है, वो एक्सेप्टर बनता है, एक्सेप्टर जो होता है जो अपना वो डबल बॉन्ड सिर्फ कंट्रीब्यूट करता है ना, जिसका फंक्शनल रूप में कोई हेरा फेरे नहीं होता है, ठीक है। और एक और इसका एक लास्ट, ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका एक और वेरिएशन, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रा मॉलिकुलर आल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, इंट्रा मॉलिक्यूलर, ये बहुत हाई लेवल का हो गया है ना, फिर भी मैं करवा दे रहा हूँ आल्डोल कंडेंसेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप स्किप कर सकते हो वीडियो को, है ना, अगर आपको फिर भी करना है, आपको 101% आपको इस क्वेश्चन को करना है, तो आप इसको वाच वाच कीजिए,
बाकी 100% तो मेरे तरफ से हो चुका है नीट के लिए और जेई के लिए, है ना। इस केस में क्या होता है कि इस केस में अभी हम लोग एक लंबा कुछ कंपाउंड होता है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आई डोंट थिंक गेस ये आएगा, तो फिर भी मैं करवाता हूँ आपको, है ना, कोई इशू नहीं है। CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड ओ सेम एक्वाज NaOH। इस केस में क्या होगा, इस केस में ये वाला कंपाउंड यहाँ से, ये वाला पहले यहाँ से यहाँ चले जाएगा, है ना, और ये वाला और यहाँ पे, है ना, यहाँ से ऐसा उड़ जाएगा, है ना, तो ये डबल बॉन्ड ऐसा हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब यू नो यूनिक रिएक्शन है एक तरीके से। तो पहले तो अभी पहले हम लोग डायरेक्टली नहीं कर, पहले हमको मैं कोई मैकेनिज्म समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा पहला ऊपर वाले में, तो एक ही मतलब है दोनों का, है ना, CH2 CH OH, है ना, ये हमारा है बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बन चुका है अब, है ना, बेसिकली CH2 है, फिर हमारा CH है, फिर CHO है, ठीक है, 1 2 3 4 CH2 है यहाँ पे भी, ठीक है। अब ये वाला जो है यहाँ से उड़ने की कोशिश करेगा इस तरफ, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, कैसे बनेगा, ठीक है, एक मिनट। इस केस में हमारा है CH2 CH2, ठीक है, CH कैसे होगा, CH, है ना, फिर ये CH यहाँ डायरेक्टली इसके हाथ में डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से उड़ गया H, दो वैलेंसी खाली हो गया उसका, वहाँ पे दो वैलेंसी खाली हो गया उसका, H भी उड़ गया था उसके हाथ में, ठीक है, सी है, ये डबल बॉन्ड ऐसा उड़ जाएगा, और यहाँ पे हमारा है CHO, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये है हमारा कंपाउंड है बीटा कंपाउंड, है ना। तो ये हमारा है इंट्रा मोलिकुलर आल्डोल कंडन। तो यहाँ से अभी हमारा आल्डोल कंडेंसेशन जो है वो 101% खत्म हो चुका है। तो आप एक बार सब क्विक रिकैप कर लीजिए, एक बार पूरे वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिए, एंड सारे क्वेश्चंस को आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो ये वाला आप चार्ट क्रॉस आल्डोल के लिए ये चार्ट को आप ध्यान रखिए, बाकी सेल्फ आल्डोल तो ईजी है, ठीक है। आई होप आपका वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।